जिल्ह्यातील मलकापूर येथे 2 दिवसीय मुस्लिम बांधवांचा धार्मिक इज्तेमा पार पडला. या इज्तेमासाठी राज्यभरातील 28 जिल्ह्यातून असंख्य मुस्लिम बांधव दाखल झाले होते. 100 एकर जागेत भव्य मंडपात धार्मिक प्रवचनाचा कार्यक्रम पार पडला. त्यासाठी चोख व्यवस्था करण्यात आली. मलकापूर येथे राज्यस्तरीय तबलिगी इज्तेमा काळ संपन्न झाला. या इज्तेमामध्ये राज्यभरातील असंख्य मुस्लिम बांधवांनी उपस्थिती दर्शविली. जवळपास 50 मौलानांच्या उपस्थितीत तबलिगी जमातीच्या इज्तेमाला शुक्रवारपासून प्रारंभ करण्यात आला. नमाज, जकात, धर्माचरण, बंधुभाव, विश्वशांती, परोपकार आदी विषयांवर समुदायाला मौलाना यांनी मार्गदर्शन केले. या इज्तेमाचा समारोप रविवारी 7 जानेवारीला करण्यात आला. यहाँ पर आज जो है तो 5, 6, 7 तारीख का जो है तो तबलीगी इज्तिमा ज़िले लेवल पर रखा गया, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि ना सिर्फ बुलढाणा ज़िला बल्कि अकोला, वाशिम और अतराफ की जितनी भी अजला यहाँ पर कॉटेज है वहाँ के हजरात यहाँ पर आए हुए हैं. और अल्लाह का एहसान है कि नागपुर और पूना, बॉम्बे और कुछ कश्मीर से भी मौलाना हजरत यहाँ पर आए हैं, जो कि हमें जो है तो हज़रत निज़ामुद्दीन से भी यहाँ पर कुछ जो है तो उलमा इकराम आए हैं. और वो यहाँ पर आज जो है तो 3 रोज़ का इज्तिमा रखा गया था, जिसमें कि आज ये आखिरी दिन है और आज इंशाअल्लाह तबारक तआला मगरिब बाद नमाज मगरिब या बाद नमाज इशा दुआ का भी एहतमाम किया गया. और अल्लाह का एहसान है, मैं समझता हूँ कि इस इज्तिमा की बरकत से पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान भर में, ना सिर्फ हिंदुस्तान भर में बल्कि पूरी दुनिया में इस इज्तिमा की बरकत से अल्लाह तबारक तआला जो है तो अमन शांति और हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक दूसरे